नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 की जीव विज्ञान की इस कक्षा में मैं पवन कुमार, प्रवक्ता पंडित देव कृष्ण इंटर कॉलेज सगवर उन्नाव, आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण अध्याय के भाग एक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने इस अध्याय को दो भागों में विभाजित किया है, भाग एक और भाग दो। सर्वप्रथम हम लोग भाग एक का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रकाश उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण भाग एक के शिक्षण बिंदु हमारे क्या क्या हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग आज इस अध्ययनशाला में जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रकाश संश्लेषण का संक्षिप्त इतिहास जानेंगे, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो प्रारंभिक प्रयोग किए गए उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है इसके विषय में जानकारी पाएंगे, हरित लवक की रचना, ग्रीना तंत्र आदि के विषय में अध्ययन करेंगे, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रमुख वर्णक कौन कौन से होते हैं इनके विषय में जानकारी पाएंगे, प्रकाशीय स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको भी अध्ययन करेंगे, प्रकाश के रंगों का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर क्या प्रभाव होता है इसमें देख इसके बारे में जानेंगे, हमारे जो वर्णक तंत्र फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, जिन्हें हम पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के नाम से जानते हैं, ये क्या होते हैं इनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगले बिंदु जो हम अगला भाग होगा उसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से होंगे और ग्रह कार्य भी इसमें देखेंगे क्या। आइए सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण के विषय में जानते हैं, पौधे की पत्तियों के हरित लवक वाले भाग में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल के सहयोग से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के जो निर्माण की क्रिया होती है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अर्थात पौधे अपना भोजन पौधे की पत्तियों अपनी पत्तियों के द्वारा संपन्न करते हैं या बनाते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और ये जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है ये क्या होता है, इसका हम लोग अपनी श्वसन क्रिया में जो समस्त जीवधारी होते हैं इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसका एक जो अभिक्रिया है वो लिखी गई है, 6CO2 + 12H2O प्रकाश और पर्णनिम की उपस्थिति में पौधे की पत्ती में क्या हरित लवक वाले भाग में क्या होता है, 6H12O6 अर्थात कार्बोहाइड्रेट जल व ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसके कुल प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य भाग है वो समुद्र में होता है। समुद्र में पृथ्वी के कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 85% भाग संपन्न होता है। 5% भाग जो होता है वह स्वच्छ जल की झीलों और नदियों आदि में होता है तथा शेष जो 10% भाग होता है प्रकाश संश्लेषण का वो स्थलीय पौधों के द्वारा किया जाता है। जल में जो CO2 की जो मात्रा होती है वो वायुमंडल की अपेक्षा 10 गुना अधिक होती है। समुद्र को इसीलिए CO2 का भंडार कहते हैं। बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक प्रयोग देख रहे हैं जिसको हम लोग प्रारंभिक कक्षाओं से भी पढ़ते आए हैं। अभी हमने परिभाषा का अध्ययन किया कि हरे पौधे अपनी जो पत्तियों के जो हरित लवक वाले भाग में प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। इससे संबंधित हम लोगों ने एक प्रयोग पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया, उसमें क्या करते हैं कि एक देखिए वही प्रयोग यहाँ दिखा रहे हैं कि एक जार है, इसमें एक कीप रखी हुई है और कीप के ऊपर कीप के अंदर एक हाइड्रिला एक जलीय पौधा है जिसको रखा गया है और उस कीप को ऊपर से कीप के ऊपर एक परख नली से उसको ढक दिया गया है, ठीक है, और इसमें पानी भरा गया है और इसको सूर्य प्रकाश में जब रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कि कुछ इस हरे जब ये पूरी तरीके से बंद है तो इस जो कुछ हल्की सी बूंदे जैसी ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही हैं, प्रकृति में हल्की सी बूंदे उठती हुई दिखाई दे रही हैं, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो हरा पौधा है जब इसमें प्रकाश पड़ रहा है इसमें कोई ना कोई ऐसी क्रिया हो रही है जिसके कारण कुछ बाहर निकल रहा है और निश्चित रूप से जो बाहर निकल रहा है वो क्या होगा, वो एक गैस के रूप में निकल रहा है तभी वो बुलबुले के रूप में बाहर जा रही है। इस प्रयोग को हम लोग ने पूर्व की कक्षाओं में बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, उसी को हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। आइए आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख बिंदु क्या हैं। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया होती है। यह क्रिया क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाओं में संपन्न होती है। यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक में संपन्न होती है। इस क्रिया में पौधे वायुमंडल से CO2
मृदा से H2O प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और इनके सहयोग से ग्लूकोज व अन्य कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। पौधे इस क्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा जो होती है यह कार्बोहाइड्रेट के उच्च ऊर्जा बंधों के रूप में संचित होती है। इस क्रिया में जो ऑक्सीजन होती है वो जल के अपघटन से मुक्त होती है। हम लोग इसका अध्ययन आगे करेंगे कैसे होता है। आइए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का संक्षिप्त इतिहास क्या है। जब हम अरस्तु और थियोफ्रेस्टस 320 BC से अब तक की बात करते हैं तो क्या कर पाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इससे जो संबंधित ज्ञान है इसमें कई वैज्ञानिकों ने अपना विशेष योगदान दिया है। कुछ वैज्ञानिकों का जो प्रमुख योगदान है आइए उसको एक सरसरी दृष्टि से देखते हैं। लीबिग ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O से कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। जेवी मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश होता है। वॉन नील प्रमुख वैज्ञानिक है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। इन्होंने 1931 में सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो CO2 से नहीं बल्कि जल के द्वारा निकलती है, H2O से निकलती है। रॉबिन हिल ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में हिल क्रिया कैसे होती है। क्रिया इन्होंने प्रदर्शित की जिसको हिल रिएक्शन या हिल क्रिया का नाम दिया गया, अर्थात लाइट रिएक्शन को इन्होंने प्रदर्शित किया। प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, इनके द्वारा बताया गया था। हैचन्स क्लैक नामक वैज्ञानिक ने 1967 में उष्णकटिबंधीय पौधों में एक विशेष प्रकार के कार्बन स्थिरीकरण का अध्ययन किया या देखा और इसको उन्होंने C4 चक्र के नाम से बताया। बच्चों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इससे संबंधित जो प्रारंभिक प्रयोग किए गए आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले कैसे पता चला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायु का शुद्धिकरण होता है, इसके लिए क्या प्रयोग किए गए। जोसेफ प्रिस्टले ने एक प्रयोग किया 1772 में। उन्होंने एक बेलजार को लिया और क्या किया, उस बेलजार के अंदर एक चूहे को रख रखा और एक मोमबत्ती को जला के रख दिया। कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि वो चूहा मर जाता है और मोमबत्ती भी बुझ जाती है। फिर क्या किया, जो उन्होंने एक दूसरा बेलजार लिया और उसमें क्या किया, मोमबत्ती के जला के रख दी, चूहे को रख दिया और साथ में एक क्या है, एक पुदीने के पौधे को भी रख दिया। थोड़े समय के बाद क्या देखते हैं, लगभग समय उतना ही था, तो उस इस जो जार का जो परिणाम था इस की तुलना में जो अगली दूसरा जार था उसका परिणाम कुछ अलग था। क्या था कि वो मोमबत्ती भी जल रही थी और चूहा भी जीवित था। क्या परिणाम निकाला उन्होंने, इसका मतलब क्या हुआ कि हरे पौधे वायुमंडल की वायु को शुद्ध करते हैं, अर्थात मोमबत्ती के द्वारा जो इस बेलजार की वायु जो अशुद्ध हो रही थी उसको क्या किया, उसको देने के पौधे के रखे होने के कारण वो वायु क्या हुई, वो जो अशुद्ध हो रही थी वो शुद्ध होती रही और जिसके कारण मोमबत्ती भी जलती रही, चूहा भी जीवित रहा और पौधा भी ठीक रहा। जॉर्ज इंजन हाउस ने इसी प्रयोग से मिलता जुलता एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, 1779 में अपने प्रयोग के लिए जोसेफ प्रिस्टले के प्रयोग की तरह ही एक सेटअप का प्रयोग किया और इन्होंने क्या, इस सेटअप को पहले इन्होंने अंधेरे में रखा और फिर सूर्य की रोशनी में रखा, फिर दोनों परिस्थितियों में होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। क्या पाते हैं, इन्होंने पाया कि पौधे युक्त जो उस सेटअप को जब तेज धूप में रखा था तो पौधे के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, जबकि अंधेरे में रखे गए जो पौधा था उसके आसपास ऐसे बुलबुले नहीं बने थे। उन्होंने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की और निष्कर्ष दिया कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में ही वायु को शुद्ध करते हैं और यह शुद्धिकरण जो होता है वह केवल पौधे के हरे भागों द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रयोग के लिए उन्होंने क्या किया था, एक जलीय पौधे का प्रयोग किया था। जो हमने सबसे पहले जो हाइड्रिला का पौधा दिखाया था उसी से मिलता जुलता यह प्रयोग था। बच्चों अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित कुछ अन्य रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। 1804 में निकोलस डे सोस्यूर ने बताया कि पौधे द्वारा जो शुद्धिकरण की जो क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है जल भी लिया जाता है तथा जो बाहर निकली ऑक्सीजन होती है वो अंदर प्रवेश करने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बराबर होती है। इस क्रिया में पौधे के भार में वृद्धि भी होती है, पौधे के भार में वृद्धि होगी क्योंकि भोजन निर्माण की क्रिया होगी तो भार में वृद्धि होती है।
सन 1845 में लीबिग ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। 1845 में ही जूलियस रॉबर्ट मेयर ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि इस क्रिया में पौधे प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा पौधे में कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित हो जाती है जिसके द्वारा पौधे तथा जंतुओं का पोषण होता है। यहां पर बच्चों एक प्रश्न उठता है, क्या है कि पौधे का कौन सा भाग होता है जहां पर वायु का शुद्धिकरण होता है, ऑक्सीजन निकलती है तथा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके अब उत्तर को हम लोग जानते हैं, हालांकि आप लोग जानते हैं इसको, फिर भी एक बार इसका देखते हैं। उपरोक्त जो हमारा प्रश्न है उसमें सभी क्रियाएं जो होती हैं पौधे की कहाँ होती है, पत्तियों में संपन्न होती हैं, ठीक है, तथा पौधे के उन समस्त हरे भागों में भी संपन्न होती हैं जहां पर हरित लवक उपस्थित होता है, अर्थात पत्तियों के साथ साथ ये तने में भी हो सकता है। शर्त क्या है, वहां हरित लवक उपस्थित होना चाहिए। टहनियों में हो सकता है, शर्त क्या है, हरित लवक होना चाहिए। पत्तियों में मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में हरित लवक पाए जाते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका में हरित लवक की संख्या क्या होती है, 300 तक हो सकती है। ये प्रकाश प्रेरित गति फोटोटैक्टिक मूवमेंट को प्रदर्शित करते हैं। तीव्र प्रकाश में हरित लवक मीजोफिल कोशिकाओं की लंबी दीवार के साथ क्या होता है, चिपके हुए, साथ लगे हुए होते हैं, किंतु जब मध्यम प्रकाश होता है तो क्या होता है, ये प्रकाश की दिशा के लंबवत लग जाते हैं ताकि ये उचित मात्रा में प्रकाश प्राप्त कर सकें। धीमे प्रकाश में जो हरित लवक का विन्यास होता है वो क्या होता है, अनियमित हो जाता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर हरित लवक की एक संरचना को प्रदर्शित किया गया है। दो चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। प्रथम चित्र में एक दोहरी भित्ति से घिरी हुई रचना दिखाई जा रही है जिसके अंदर क्या है, कुछ प्लेट रूपी लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती हैं और इन जो प्लेट रूपी रचनाएं हैं या सिक्के जैसी जो रचनाएं होती हैं, जो प्लेट जैसी रचनाएं हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, थैलाकोइड कहते हैं। और जब ये थैलाकोइड ये प्लेट जैसी जो रचना होती है, ये बहुत सारी रचना एक दूसरे के ऊपर एक व्यवस्थित हो जाती हैं, तो सामूहिक रूप से इस रचना को हम लोग ग्रेनम के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर इस ग्रेनम को दिखाया जा रहा है, ये पूरी जो एक समूह है प्लेट जैसी रचनाओं का, इसको हम लोग ग्रेनम कहते हैं। और एक जब सिंगल प्लेट होगी तो उसको थैलाकोइड कहा जाता है। इन ग्रेनाओं को आपस में जोड़ने के लिए कुछ लंबी लंबी पतली रचनाएँ पाई जाती हैं जिनको पटलिकाएँ कहते हैं, ग्रेनम पटलिकाएं कहा जाता है। हरित लवक के अंदर राइबोसोम्स पाया जाता है, इसमें एक प्रोटीन युक्त तरल भरा होता है जिसको स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ लिपिड की बूंदें भी उपस्थित होती हैं। जो हमारा दूसरा चित्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये उसका थ्री डायमेंशन रूप है। इसमें क्या है, हरित लवक के अंदर हम लोग हरित लवक के जो थैलाकोइड्स हैं, जो ग्रेनम है, उनको दिखाई प्रदर्शित किया गया है, किस प्रकार से ग्रेनम पटलिकाओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जब हम इस थैलाकोइड की ऊपरी सतह को हटाते हैं, ऊपरी उसके आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि प्रत्येक थैलाकोइड के अंदर कुछ सूक्ष्म सिक्के जैसी रचनाएँ पाई जाती हैं और इन सिक्के जैसी रचनाओं को हम लोग क्वांटासोम्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं क्वांटासोम्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रत्येक हरित लवक, आइए इसका अध्ययन करते हैं, जो हरित लवक की रचना है कि प्रत्येक हरित लवक लाइपोप्रोटीन की दो एक झिल्लियों से बना होता है, बाह्य झिल्ली आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच के स्थान को बाह्य कक्ष कहते हैं। हरित लवक के आंतरिक भाग में दो तंत्र पाए जाते हैं, एक होता है स्ट्रोमा तंत्र और एक होता है ग्रेना तंत्र। स्ट्रोमा, इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं, एक प्रोटीनयुक्त तरल पदार्थ होता है जो हरित लवक के अंदर द्रव के रूप में भरा होता है। प्रोटीनयुक्त कोलाइडल पदार्थ होता है, इसमें डीएनए आरएनए तथा 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक क्रिया होती है जिसके द्वारा शर्करा का निर्माण होता है जो कि बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। तो स्ट्रोमा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, अंधकारमय प्रक्रिया संपन्न होती है। और जो हमारे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशमय प्रक्रिया होती है कहाँ होती है, वो हमारे क्वांटासोम्स के अंदर होती है, अर्थात थैलाकोइड के अंदर जो क्वांटासोम्स होते हैं वहाँ पर संपन्न होती है। ग्रेना तंत्र या लैमेली तंत्र देखते हैं, हरित लवक के अंदर वाले भाग में कुछ डिस्क या
थैली या सिक्के जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जो कि समूह में व्यवस्थित रहती हैं, इन्हें थैलाकॉइड या ग्रेनम लैमेली कहते हैं। जब कई थैलाकॉइड एक साथ व्यवस्थित होकर एक समूह बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या ग्रेना तंत्र या ग्रेनम कहते हैं। जैसे हमने पूर्व में भी बताया, प्रत्येक ग्रेना में 10 से 100 तक ग्रेना लैमेली हो सकते हैं। इनकी संख्या मतलब एक के ऊपर एक जो प्लेट होती है वो 10 से लेकर के 100 तक हो सकती हैं। प्रत्येक थैलाकॉइड के अंदर कुछ सूक्ष्म छिलके जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जैसा मैंने अभी बताया, क्या होंगी, क्वांटासोम्स होते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम में लगभग क्या होते हैं, 230 प्रकाश संश्लेषी अणु पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड, साइटोक्रोम्स, फाइकोबिलिन्स, एटीपी सिंथेटेज आदि। स्ट्रोमा लैमेली दो निकटतम ग्रेनाओं को जोड़ने का कार्य करता है। तो जो ग्रेना होते हैं इनके बीच में जो संबंध अभी हम लोगों ने पूर्व के चित्र में जो हम लोगों ने देखा था, क्या था, उनको जो जोड़ने का कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है, इस चित्र में देखो, जैसे ये जुड़ रही हैं एक दूसरे से, क्या है, ये लैमेली के द्वारा संपन्न होता है। इस तंत्र के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होती है उसकी प्रकाश में प्रक्रिया संपन्न होती है, लाइट रिएक्शन बताया था अभी आपको। अब यहाँ पर बच्चों दूसरा एक प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि सभी पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनका हरा रंग एक समान नहीं होता, कहीं हल्का हरा होता है, कहीं गाढ़ा हरा होता है, या कुछ वो हरा अलग परिवर्तित रूप में होता है, उसमें कुछ सूक्ष्म अंतर पाया जाता है, ऐसा क्यों होता है, जानते हैं इसके बारे में क्यों होता है ऐसा। पौधों की जो पत्तियों का रंग होता है वह केवल एक वर्णक के कारण नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इसमें कई प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, और जो अलग अलग पौधे होते हैं उसमें जो वर्णकों की संख्या होती है, वर्णकों की जो मात्रा होती है वो भी अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण जिसमें पाए जिस पत्तियों का रंग भी होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हम लोग जो विभिन्न वर्णक होते हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। पौधे की पत्तियों में जो वर्णक पाए जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख वर्णक निम्नवत हैं, जैसे नंबर एक पे सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल ए, जो कि नीले व हरे रंग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल बी, ये पीले रंग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल सी, ये भूरे रंग का वर्णक है, जो कि डायटम्स भूरे शैवाल आदि में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी, ये लाल शैवालों में पाया जाने वाला वर्णक है। क्लोरोफिल ई, पीले रंग का वर्णक है, जो कि शैवालों के जेंथोफाइसिक कुल के सदस्यों में पाया जाता है। इतने ही वर्णकों में हम लोग देखते हैं कि सब क्या है, क्लोरोफिल है। हम लोग तो बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, पर अब इसमें कुछ नीले हरे रंग के हैं, कुछ पीले हरे रंग के हैं, कुछ भूरे रंग के हैं, कुछ लाल शैवालों में पाए जाने वाले लाल वर्णक हैं, कुछ पीले रंग का वर्णक है। तो जब इसमें क्या है कि सब हरे नहीं, ये जो वर्णकों की जो संख्या है, वर्णकों की मात्रा जब अलग अलग होती है तो निश्चित रूप से पत्तियों का रंग विभिन्न भिन्न हो सकता है। क्लोरोफिल या पर्णहरिम सभी प्रकार जो होते हैं प्रकाश संश्लेषित पादपों में पाए जाने वाले हरे रंग का वर्णक है, जो कि नीली, बैंगनी, लाल, नारंगी किरणों का अवशोषण करता है तथा हरे रंग की किरणों को परावर्तित करता है। इसी कारण जो पौधे हैं उनका रंग जो होता है, उसकी जो पत्तियां हैं उनकी जो रंग है वो हरा दिखाई देता है। और कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल के साथ साथ नारंगी व पीले रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं, जिनको कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, जो स्पेक्ट्रम से लाल से पीले रंग के बीच की प्रकाश तरंगों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये फलों और फूलों को भी रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। विटामिन ए के संश्लेषण में इनका विशेष योगदान होता है। फाइकोबिलिन्स, यह मुख्यतः लाल तथा नीले हरे शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक हैं। ये जल में विलेय होते हैं और अधिक ताप पर ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फाइकोबिलिन्स भी प्रकाश तरंगों को ग्रहण करते हैं और उन्हें क्लोरोफिल को पहुंचाने का कार्य करते हैं। बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं, प्रकाश स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं। बच्चों सूर्य का जो प्रकाश होता है हम लोग जानते हैं कि 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग शुरुआती कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, बैंगनी रंग होता है, जामुनी रंग होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है और लाल होता है, जिसको हम लोग संक्षिप्त रूप में बैजानी हप्पी नाला के नाम से भी जानते हैं। मतलब हर रंग का शुरुआत का एक जो अक्षर होता है उसको मिलाकर के बैजानी हैप्पी नाला बना हुआ है। तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रंग की क्या होती है, एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य होती है। यह तरंग दैर्ध्य जो होती है ये क्या होती है, 390 nm से लेकर के 800 nm तक होती है। सौर ऊर्जा जो होती है ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है।
यहाँ पर एक सारणी दी हुई है जिसमें क्या है, विभिन्न रंगों के प्रकाश दिखाए गए हैं और उनकी तरंग दैर्ध्य को दिखाया गया है। जैसे जो हमारा बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य 390 से 430 nm तक होती है, जो हमारा नीला रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य 430 से 470 nm तक होती है, जो हमारा आसमानी या ब्लू नीला रंग है उसका क्या है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य है 470 से 500 nm के बीच में होती है। जो हमारा हरा रंग होता है इसकी तरंग दैर्ध्य 500 से 580 nm के बीच में होती है, जो हमारा पीला रंग है उसकी जो तरंग दैर्ध्य 580 से 600 nm के बीच में होती है, जो ऑरेंज या नारंगी कलर जो होता है इसकी जो तरंग दैर्ध्य 600 से 650 nm के मध्य होती है, जो उसके बाद हमारा लाल रंग आता है जो सातवां कलर है इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 650 nm से अधिक होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक आठवां प्रकाश भी दिखाया गया है, आठवां रंग भी दिखाया गया है जिसको अवरक्त प्रकाश या इन्फ्रारेड कहते हैं। जब इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है इसकी 760 nm से अधिक हो जाती है तो क्या होता है, वो उसे हम अवरक्त प्रकाश कहते हैं। बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रकाश के रंगों का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर क्या प्रभाव होता है। 790 nm से जो अधिक तरंगे वाली तरंगे होती हैं उनको हम लोग अवरक्त तरंगे कहते हैं। 390 nm से जो कम तरंगे वाली जो तरंगे होती हैं उनको हम लोग पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं। आपके हम लोग देखते हैं रेड ड्रॉप तथा इमर्शन इफेक्ट क्या होता है। इमर्शन व उनके सहयोगियों ने प्रकाश की भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है उसका अध्ययन किया और इन्होंने पाया कि जो स्पेक्ट्रम का जब लाल क्षेत्र होता है उसमें अचानक जब तरंग दैर्ध्य प्रकाश जो 680 nm से अधिक हो जाती है तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और इसे इन्होंने रेड ड्रॉप के नाम से कहा। इसके बाद इन्होंने दूसरे देखा फिर देखा कि जब प्रकाश के बैंगनी व नीले रंग के साथ में कम के जो मतलब नीले रंग के जो कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश है इनको उसी लाल रंग के क्षेत्र जो लाल रंग के साथ में इन नीले और बैंगनी रंग के कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाशों को भी दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो इन तीनों रंगों का जो सामूहिक योग अलग अलग जो दर होती है उससे अधिक हो जाती है। अधिक तरंग दैर्ध्य प्रकाश दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण के दोनों प्रकार के तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश में होने वाले अलग अलग प्रकाश संश्लेषण के योग से अधिक होती है। इस घटना को क्या कहते हैं, इमर्शन का दूसरा प्रभाव या इमर्शन का वृद्धिकारक प्रभाव कहा जाता है। क्या समझे इसमें कि लाल जब खाली लाल रंग का प्रकाश दिया गया तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो गई किंतु जब लाल रंग के प्रकाश के साथ में अन्य तरंग दैर्ध्य बैंगनी व नीले रंग या अन्य किसी तरंग दैर्ध्य को मिश्रित रूप में दिया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की दर है जो प्रकाश दिए गए उनके जो अलग अलग जब उनका अवलोकन किया गया था अध्ययन किया गया था तो उनके योग से काफ़ी अधिक पाया गया। देखते हैं बच्चों प्रकाश अभिक्रिया वर्णक तंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में दो वर्णक तंत्र भाग लेते हैं, पीएस फर्स्ट वर्णक तंत्र फर्स्ट और वर्णक तंत्र दो पीएस टू। वर्णक तंत्र एक में क्या देखते हैं, इस वर्णक तंत्र में प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा का अवशोषण करने वाले जो घटक होते हैं वो क्लोरोफिल के विभिन्न अणु होते हैं जो कि ग्रेना एवं स्ट्रोमा थैलाकोइड की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए के विभिन्न प्रकार के अणु अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश किरणों का अवशोषण करते हैं। जो हमारा फोटोसिस्टम फर्स्ट है इसकी के जो अंत में एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल ए होता है जिसे P700 भी कहते हैं। ये जो होता है 700 nm तरंग दैर्ध्य वाली किरणों का अवशोषण करने का कार्य करता है। ये अणु इस फोटोसिस्टम के अभिक्रिया केंद्र का कार्य भी करता है। क्या होता है, ये अभिक्रिया का केंद्र होता है। कौन वर्णक तंत्र जो प्रथम होता है ये हमारी अभिक्रिया का केंद्र होता है और क्या कहता है, इसमें प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होती है, प्रकाश रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। यहां से जो होता है क्या होता है, पीएस फर्स्ट से अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। जो दो प्रकाश तंत्र होते हैं इसमें वर्णकों का जो वितरण है आप ये देख लीजिए, यहाँ पे कैरेटिनॉइड्स क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ये जो हमारे फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड प्रकाश तंत्र फर्स्ट प्रथम और द्वितीय का इसमें यहाँ पे एक तुलनात्मक अध्ययन दिखाया गया है। इसमें भी सब कुछ लगभग ये भी है, क्लोरोफिल एच की है क्लोरोफिल यहाँ तक इसमें समानता दिखाई जाती है। क्या क्लोरोफिल एक जो होता है इस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर दिखाया जाता है। यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम सेकंड का जो रिएक्शन जो मुख्य बिंदु होता है वो P680 से 682 होता है किंतु यहाँ पर P700 होता है क्योंकि जो क्लोरोफिल ए का अणु होता है ये क्या होता है, ये 705 से 735 nm तक की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। यहाँ पर 685 से 695 ही प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी को प्रदर्शित किया गया है।
बच्चों, इस प्रकार से आज हमने जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो भाग एक था उसमें हमने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, उसका इतिहास, उससे संबंधित प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्रयोगों के बारे में, वर्णक तंत्रों के बारे में, फोटोसिस्टम फर्स्ट क्या होता है, फोटोसिस्टम सेकेंड है, उसमें जो अभिक्रिया केंद्र क्या क्या है, इनके विषय में जानकारी प्राप्त करी। बच्चों, हम लोगों का जो इसका जो आगे का जो हम भाग दो पर आप अध्ययन करेंगे, इसके बाद में जो अध्ययन किया जाएगा उसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की हम लोग आधुनिक संकल्पना के विषय में जानेंगे, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया क्या होती है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होता है इसके विषय में जानकारी लेंगे, इसमें चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन और अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन के विषय में जानकारी प्राप्त की जाएगी, किमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रकाशिक अभिक्रिया अर्थात बेंसन केल्विन साइकिल क्या होता है इसके विषय में जानकारी ली जाएगी, C4 चक्र क्या होता है इसके विषय में अध्ययन करेंगे, प्रकाशीय शोषण क्या होता है इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए आज का जो हमने अध्ययन किया है इससे संबंधित कुछ गृह कार्य आपको देते हैं, आपको उसको घर से करना है, आपको किसी प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, आप लोग इसको करने का प्रयास करिए। पौधों के जीवन में प्रकाश का क्या महत्व होता है इसको आपको बताना है। अगला प्रश्न आपका है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का क्या महत्व होता है इसके विषय में आपको जानकारी देनी है। चक्रीय व अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में प्रमुख अंतर क्या क्या होते हैं इसको आप लोग लिखिए। रेड ड्रॉप और इमर्शन प्रभाव क्या होता है इसके विषय में आपको जानकारी देनी है। और बच्चों, अंत में आपको ये बताना है जो हमारा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न ऑक्सीजन गैस का स्रोत क्या होता है, अर्थात जो ऑक्सीजन गैस निकलती है ये कहाँ से निकलती है। इसी के साथ आज हम लोग अपनी जो ये हमारा इसका प्रकाश संश्लेषण का जो भाग एक था इसको यहाँ पर विराम देते हैं, शेष भाग हम लोग भाग दो में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।